हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें टेक टूल्स को और इस बेल बटन को दबाएं और हर रोज एक हिंदी में नया वीडियो पाएं। आप तक पहुंचते रहेंगे मेरे पूरे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट। हे दोस्तों, आप है टेक टूल्स के साथ और मैं हूं आपका टीचर जितेंद्र। और आज का जो वीडियो है लेयर मास्क बेस्ड है और इसमें हम कुछ इमेजेस को ब्लैक एंड वाइट टू कलर करेंगे। लाइक कलर ऐसा नहीं कि हम लोग ब्लैक एंड वाइट को कलर करने वाले हैं, हम लोग लेयर मास्क को यूज़ करके कुछ अट्रैक्टिव इमेजेस बनाने वाले हैं और लेयर मास्क का थोड़ा एडवांस यूज़ हम करने वाले हैं। देखा जाए तो शॉर्ट ट्यूटोरियल है, बट आपको पसंद आएगा और आप ज़रूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें प्लीज़। थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने बात करी थी लेयर मास्क की, उसका एडवांस वर्जन हम लोग करने जा रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं किस तरीके से ये वर्क करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारी सबसे पहले एक लेयर है जो ऑलरेडी यहाँ पे लेयर विंडो आपको शो हो रही होगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं लेयर्स के अलावा चैनल्स भी आए हैं, बट अभी हम लेयर्स की बात करेंगे। सबसे पहले हमको लेयर की एक कॉपी लेनी होगी, जैसा कि हम पहले भी लेयर की कॉपी लेने के लिए कंट्रोल जे का इस्तेमाल करते थे या फिर हम डुप्लीकेट करते थे, राइट क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर कर सकते हैं और उसको नाम दे सकते हैं। जैसा कि दो लेयर हमने ले लिए, आपको दिखा दूँ, एक नीचे वाली लेयर है, एक ऊपर वाली लेयर है। तो इसका एडवांस जो हम करने वाले हैं वो कुछ इस तरीके से है कि जो हमारी पहले वाली लेयर होगी, इसको हमको इसको ब्लैक एंड वाइट सबसे पहले करना होगा। तो हम पहले क्या किया करते थे, हम इमेज में जाते थे, एडजस्टमेंट्स में जाते थे और डीसेचुरेट किया करते थे। डीसेचुरेट करने से हमें एक थोड़ा सा लॉस ये होता है कि इस पर कंट्रोल्स नहीं है हमारे, तो इस कंट्रोल्स को हम अच्छा मतलब अच्छे से वर्क करने के लिए, ज़्यादा कंट्रोल्स यूज़ करने के लिए हम इसको डीसेचुरेट की जगह इमेजेस में वापस जाना है, एडजस्टमेंट्स में जाना है और आपको ब्लैक एंड वाइट कलर के एक टूल आएगा, वो आपको लेना है। अब क्या है ये टूल, कैसे वर्क करता है, मैं आपको बता दूं। इसमें ईच चैनल के कंट्रोल्स हमें मिलते हैं, लाइक जैसे रेड है या ब्लू है, जैसा कि मैं आपको दिखाऊं वापस से बात करते हैं। जैसे इसने, ये लड़की ने एक फिरोजी कलर का कपड़ा पहन रखा है, यहाँ पे हम इसको इंडिपेंडेंट कंट्रोल करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा, हमें वापस से जो बैकग्राउंड लेयर है इसको डीसेचुरेट करने के लिए वापस से हमें ब्लैक एंड वाइट करना होगा। और फिरोजी के लिए हम जो यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा फिरोजी कलर आपको यहाँ दिख रहा होगा, इसको हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे मैंने इसको इस कंट्रोल को उठा के पूरा एक साइड में लेके गया हूँ, तो ये पूरा डार्क हो गया है। जहाँ जहाँ फिरोजी कलर इसको मिलने वाला था वो एरिया डार्क हो गया है। तो इसको हम लाइट और डार्क अपने हिसाब से, मैं इसको थोड़ा सा लाइट करना चाहूँगा इस तरीके से, और येल्लो अगर किसी के यहाँ पे है तो मैं थोड़ा सा येल्लो ब्राइट करना चाहूँगा। तो इन कंट्रोल्स को आप छेड़ के अच्छे से इमेजेस को एनहांस कर सकते हैं। जैसे कि ये पिंक है, पर्टिकुलर इस गर्ल पे वर्क कर रहा है, तो आप थोड़ा इसको भी ब्राइट कर लें। तो जैसा कि ब्राइट और डार्क यहाँ से आप कर सकते हैं, इसको ओके प्रेस करें और आप देखेंगे कि हमने सबसे नीचे वाली लेयर है इसको ब्लैक एंड वाइट कर दिया है। और ब्लैक एंड करने के बाद, इसके बाद हमारे जो ऊपर वाली लेयर है इसको हम विजिबल करेंगे। विजिबल करने के बाद आप देखेंगे कि वो लेयर छिप गई है। तो बात करते हैं लेयर मास्क की वापस से। इस इमेज के ऊपर हम ऑल्ट दबा के, और यहाँ पे हमारा टूल है मास्क, इसको जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो इस पर एक मास्क लग जाएगा। आप देखिए वापस से ऑल्ट प्रेस और मास्क, इस पर ऑटोमेटिक ब्लैक मास्क लग गया है। जनरली वाइट आता है लेकिन इसको हम ऑल्ट प्रेस करके करेंगे तो ब्लैक मास्क दे देगा। तो इससे इजी क्या होगा, हम लोगों को बस डायरेक्ट ब्रश लेना है। जैसा कि इससे पिछली क्लास में मैंने लेयर मास्क आपको बताया था, आप सिलेक्शन कर सकते हैं, ब्रश यूज़ कर सकते हैं और भी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। मैं ब्रश यूज़ करने वाला हूँ और ब्रश मैं चलाने वाला हूँ, और मुझे सबसे पहले एक काम और करना होगा, यहाँ पे जो कलर बार है मेरी, इस पे फोरग्राउंड में मुझे वाइट कलर लेना होगा, जिससे मैं क्या करूँगा, ब्रश को पेंट कर सकता हूँ। आप देख रहे होंगे जैसे कि पहले वाली क्लास में आपने पढ़ा था लेयर मास्क का वर्क क्या है, ये आप देखिए। जहाँ जहाँ मुझे इसमें क्या करना है, मुझे ड्रेसेस को, केवल जो मेरी ड्रेसेस है इसको मुझे कलर रखना है, बाकी पूरे एरिया को मुझे ब्लैक एंड वाइट रखना है। तो बात करते हैं कैसे ये करना है। राइट क्लिक करना है और सॉफ्टन ब्रश हमें लेना होगा। हार्डनेस सॉफ्टनेस पहले भी मैंने आपको बताया किस तरीके से कंट्रोल होती है। अभी जैसे कि बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे जूम कर लेता हूँ और यहाँ बात करते हैं हम। जैसे कि मैं यहाँ पे ये टूल चला रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिकली कलर मेरे जो पीछे वाले कलर से वो आगे निकल के आ रहे हैं। और अगर आप ब्रश टूल ले रहे हैं और ब्रश टूल वर्क कर रहा है आपका, जैसे कि ये चल रहा है, अगर मैं ऑल्ट प्रेस करके भी ब्रश कलर पिक कर सकता हूँ कोई दूसरा, ये भी मैंने आपको पहले बताया था। और बात करते हैं
ड्रेसेस की, तो ड्रेसेस को हमें कलर करना होगा, तो मैं यहाँ पे जस्ट ब्रश को चला रहा हूँ धीमे धीमे से। तो इस तरीके से आप लेयर मास्क भी यूज़ कर सकते हैं इस टाइप की इमेजेस बनाने के लिए। ये बहुत शॉर्ट में मैंने आपको चीज़ें बताई है, मैं इसको पूरा कर देता हूँ। थोड़ा आराम से आपको इसको चलाना होगा वरना ये प्रॉब्लम करेगा, वरना ये जो रस्सी इस पे आ रही है इस पे भी ये मास्क आ जाएगा, तो ये हमें नहीं करना है बिल्कुल भी, और केवल ड्रेसेस को यूज़ करना है। आपको दिख रहा होगा कुछ इस तरीके से, मैं केवल ड्रेस ड्रेस को चूज़ कर रहा हूँ, और बाद में मैं उंगलियों पे से जो कलर आया है वो भी मैं हटाऊंगा। आपको एक्स एक्स यूज़ करते हुए चलना है, इससे क्या होगा आपका जो कलर बार है जो आप भी आपका फोरग्राउंड और बैकग्राउंड में एक्सचेंज होता रहेगा। आप देखो एक्स की से यहाँ पे आप देख रहे होंगे, एक्स में प्रेस कर रहा हूँ तो ब्लैक ऊपर आ रहा है और एक्स दबा रहा हूँ तो वाइट ऊपर आ रहा है। सो चलते हैं। जैसा कि यहाँ पे कुछ कलर एक्स्ट्रा आ गया है तो एक्स दबाएं आप और इसको रिवर्स कर दें, और वापस से जैसे कि यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया है तो एक्स दबा के इसको आप धीमे धीमे सॉफ्ट ब्रश यूज करके आप इसको हटा सकते हैं। आइए यहाँ चलते हैं। इसका कलर मेरे हिसाब से फ्रोजी था तो हमको फ्रोजी ही वापस से लाना होगा, तो मैं एक बार के लिए पूरा ले लेता हूँ। थोड़ा छोटा सा ट्यूटोरियल है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको इससे अच्छी चीज़ सीखने को मिलेगी। मैं एक बार के लिए पूरा कलर फटाफट कर देता हूँ ताकि फिर जहाँ जहाँ से मुझे इरेज करना होगा वो मैं इजी वे में इरेज कर सकता हूँ। एक्स की शफल हो रही है बार बार, इसी वजह से मैं बार बार हटा पा रहा हूँ कलर्स को और जोड़ पा रहा हूँ वापस से। ब्रश को छोटा बड़ा करने के लिए ब्रैकेट अप ब्रैकेट डाउन आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, आप छोटी जगहों पे छोटा ब्रश यूज करके काम में ले सकते हैं, जैसे कि इस तरीके से मैं ले रहा हूँ। यहाँ से कलर हटाना होगा और यहाँ से वापस लगाना होगा। थोड़ा स्पीड अप करता हूँ मैं। इसको थोड़ा आराम से आप करें ताकि प्रॉब्लम नहीं आए चलाने में। बहुत शॉर्ट ट्यूटोरियल है।
थोड़ा सा सो फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से लेयर मास्क वर्क कर रहा है। आप अच्छे से पोर्ट्रेट्स बना सकते हैं, अच्छे से डिजाइन्स बना सकते हैं इस ब्रश को यूज़ करके। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और फिर से मैं बताना चाहूँगा, जो चीज़ें एक्स्ट्रा आ गई है आप उनको इरेज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, धीमे धीमे करके आप उसको अच्छे से इरेज कर सकते हैं जहाँ जहाँ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। और आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आप धीमे धीमे टूल्स को यूज करें, साथ ही में सॉफ्टन और हार्डन ब्रश का आप यूज करें। राइट क्लिक करके यहां से इसको सॉफ्टन और हार्डन करें, जिससे आपको इजी वीक के अंदर ब्रश चलाने में आपको आसानी हो जाएगी और कहां पे कितना हार्ड चाहिए वो आप यूज कर पाएंगे। जैसे कि ये देखिए इस तरीके से। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे आशा करता हूँ। और जो बचे कुचे काम है वो आप यूज़ करके देख सकते हैं टूल्स को किस तरीके से यूज़ करना होगा। ये आपकी खुद की क्रिएटिविटी होगी कि आप कहाँ इसको यूज़ करने वाले हैं। और जैसा कि बात करते हैं, सो गाइज, मेरी इमेज कंप्लीट हो गई है। ऐसे ही आप अपनी इमेज को कंप्लीट कर सकते हैं और अच्छा सा फोटोशॉप के इस टूल का यूज़ कर सकते हैं, लेयर मास्क का। और ये थोड़ा सा एडवांस था पहले वाले ट्यूटोरियल से। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।